Good morning, class 5th. Your second lecture of your chapter 8 on your page number 63. बेटा हम लोग पढ़ रहे थे uses of air. इसमें second term है आपका for burning. ठीक है. Air supports the process of burning. बेटा जो air है वो burning की process को support करती है. Without the presence of oxygen, an important constituent of air, burning cannot be started. बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट, अदर यूजेज ऑफ एयर मीन्स एयर के दूसरे यूज. व्हेन अ पैराशूट ओपन्स इन द एयर इट इज पुश्ड अपवर्ड ड्यू टू एयर प्रेशर. बेटा जब एक पैराशूट एयर में ओपन किया जाता है या ओपन होता है तो वो एयर प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ पुश होता है. सो द डाइवर कम्स टू द अर्थ सरफेस स्लोली, जिसकी वजह से जो डाइवर है, जो भी मतलब पैराग्लाइडिंग कर रहा है, पैराशूट उसने पहना हुआ है, वो धीरे धीरे अर्थ की सरफेस की तरफ आता है और गिरता नहीं है. क्या ना पैराशूट वर्क विदाउट एयर, क्या कोई पैराशूट बिना एयर के वर्क कर सकता है. एयर ऑल्सो सपोर्ट्स ग्लाइडर्स एंड काइट्स. इसके अलावा जो एयर है हमारी वो ग्लाइडर्स और काइट्स को भी सपोर्ट करती है. सेम वे में एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स. इसके अलावा बेटा जो एयर है फुटबॉल्स में जो हवा भरी जाती है, एयर भरी जाती है, फिल की जाती है, इन्फ्लेट की जाती है, व्हीकल्स के जो ट्यूब्स होते हैं उनमें भी फिल की जाती है ना. इट कैन ऑल्सो पुश सेल बोट्स टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल टू ड्रॉ वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा बेटा जो सेल बोट्स होते हैं उनको भी आगे की तरफ पुश कर सकती है, और जो विंडमिल होती है जो पवन चक्की होती है उनकी भी जो ब्लेड्स होती हैं उनको भी ये पुश करती है आगे की तरफ घूमने में या चलने में, जिसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. अब एटमोसफेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, तो द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स. जो एटमोसफेयर है आपका वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट आपका सबसे पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. बेटा अर्थ की सरफेस के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. वेदर चेंजेस टेक प्लेस मोस्टली इन दिस लेयर. और ज़्यादातर जो मौसम में बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं. नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. ये सेकेंड लेयर है, आप यहाँ भी देख सकते हैं. मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन दिस लेयर. बेटा जितने भी आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. और जो ओजोन गैस है वो भी इसी एयर में प्रेजेंट है. ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. और ये इस गैस का फंक्शन क्या है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, उन्हीं रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उससे स्किन कैंसर कॉज हो सकता है जो कि हमारे तक इस ओजोन लेयर की वजह से नहीं पहुँचती है. ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 64. नेक्स्ट है बेटा आपका मेसोस्फीयर. दिस इज़ द थर्ड लेयर. ये आपकी तीसरी लेयर है. मीटियोराइट्स और द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस बर्न आउट इन दिस लेयर एंड देयर फोर डू नॉट रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बेटा जो आपके मीटियोराइट्स होते हैं या जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो स्पेस में घूम रहे होते हैं वो भी इस लेयर में बर्न हो जाते हैं एंड देयर फोर डू नॉट रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और इसीलिए वो फिर अर्थ की सर्फेस तक नहीं पहुँच पाते हैं. नेक्स्ट थर्मोस्फेयर, दिस इज़ द फोर्थ लेयर. ये आपकी फोर्थ लेयर होती है. स्पेस शटल्स मूव अबाउट इन दिस लेयर. जो स्पेस शटल्स होते हैं आपके वो इसी लेयर में कहीं पर मूव करते हैं. नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर, दिस इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. और ये एटमोसफेयर की फिफ्थ लेयर होती है. ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. नाउ नोट ऑन योर होमवर्क. बेटा ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं इन लेयर्स को मेंशन करते हुए जो डायग्राम आपको ये दिया गया है इसी को आपको आपकी रफ नोटबुक पर ड्रॉ करना है, और इनको आपको सीरीज वाइज लर्न भी करना है. ओके, थैंक यू क्लास.